प्लीज सब्सक्राइब करिए अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक को और बेल आइकॉन। नाज़रीन नाज़रीन डायसपेप्सिया के चैनल प्रोग्राम के अंदर आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो ऐसी डायसपेप्सिया जिसमें मुरोगन गिजाओं के खाने से बदहजमी होती है। आई नाज़रीन प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। मैं हूं डॉक्टर जी सिद्दीकी, आप देख रहे हैं अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो डायसपेप्सिया की ऐसी कंडीशन जिसमें मुरोगन गिजाएँ खाने की वजह से तकलीफ होती है, चर्बीली गिजाओं के खाने से तकलीफ होती है। नाज़रीन इस कैफियत के अंदर न सिर्फ मरीज़ को बदहजमी होती है बल्कि वो जो खाता है उसको उसकी उपकाइयाँ आने लग जाती हैं और वो चिकनाहट की डकारें आना शुरू हो जाती हैं। मरीज़ की एक जो स्पेसिफिक जो सिम्टम होगा जिसे की सिम्टम के लिए वो ये होता है कि मरीज़ का मुंह तो खुशक होता है लेकिन उसे प्यास नहीं लग रही होती, उसका पानी पीने को दिल नहीं कर रहा होता। तो मरीज़ की ऐसी कैफियत के अंदर ये ज़रूरी है कि इसकी सिम्टम अगर आप में मौजूद है कि आपका मुंह भी खुशक है लेकिन आपको पानी पीने को दिल नहीं कर रहा ना। आइए नाज़रीन हम इसकी मज़ीद तफ़सील आपको बताते चलते हैं। मरीज़ का मुंह खुशक होता है लेकिन उसे प्यास नहीं लग रही होती, ये इसकी एक की सिम्टम है। नाज़रीन होता क्या है कि जब आप मुरोगन गिज़ाएँ खाते हैं या ऐसी चिकनाई वाली या ऐसे आप जो है गोश्त वाली जिसके जो रोस्टेड वगैरह इस किस्म की चीज़ें होती हैं या फास्ट फूड वगैरह होते हैं तो उससे क्या होता है कि मरीज़ के मैदे के अंदर जो है एक अजीब सा कम्बिनेशन बन जाता है जिसकी वजह से उससे उपकाई सी आने लग जाती है और उसकी डकारों के अंदर चिकनाहट सी आ रही होती है। उससे ऐसा लगता है कि उसके मैदे के अंदर को पत्थर या कोई बोझ उसके मैदे पर रख दिया है, बाज़ तो उसका मैदा फूलना शुरू हो जाता है और चिकनी या चर्बीली चीज़ें उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती हैं और बाज़ पेस्ट्री आइटम भी उसे यानी कि जो बेकिंग आइटम होते हैं खासतौर पर पेस्ट्री वगैरह उसको सूट नहीं करती है। ऐसी बदहजमी की कैफियत के अंदर मरीज़ नहायत ही परेशान हो रहा होता है। अगर वो इसका इन टाइम इलाज नहीं करते हैं तो बाज़ अवकात उन्हें मोटापा बड़े तेज़ी से आना शुरू हो जाता है, लिहाजा इस ज़रूरी है इसको इन टाइम इलाज किया जाए और इस कैफियत को यहीं रोका जाए। और साथ साथ खाना खाने के बाद कुछ टाइम आप चहलकदमी करें। आप खाना खाने के जब चहलकदमी करते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एक्टिव हो जाता है और वो खाने के जो हज़म का प्रोसेस हो जाता है वो भी बूस्ट हो जाता है। यहाँ से आइए प्रिस्क्रिप्शन को नोट कर लीजिए। प्रिस्क्रिप्शन को नोट कराने से पहले यहाँ आपको एक बात नोट कराना ज़रूरी होती है, वो ये है कि यहाँ जो मेडिसिन के ऊपर इंफॉर्मेशन दी जाती हैं वो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स को और लर्नर्स को दी जाती हैं क्योंकि ये एक एजुकेशन इन्फॉर्मेशन चैनल है, लिहाजा यहाँ से जो आप मेडिसिन नोट करते हैं अगर कोई व्यूअर्स अपने अंदर ये सिम्टम पाता है तो वो अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर की रहनुमाई के बाद इसे इस्तेमाल करें। आइए प्रिस्क्रिप्शन को नोट कर लीजिए। पल्सा टिला 30 5 कतरे आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम और रात को आप मतवातर कुछ अरसे इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी ये कैफियत कि आपको मुरोगन गिज़ाएँ चर्बीली गिज़ाएँ हज़म नहीं होती हों और आपकी जो स्पेसिफिक या आपके लिए की सिम्टम ये हो कि आपका मुंह खुशक हो लेकिन आपको प्यास नहीं लग रही हो, आपका पानी पीने का दिल नहीं कर रहा हो, तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से न सिर्फ वो ठीक हो जाएगा और आपके जो मैदे के ऊपर जो बोझ या पत्थर सा रखा हुआ महसूस होता है या आपके पेट में दर्द होता है या आपको चर्बीलो मुरोगन गिज़ाएँ हज़म नहीं होती हैं या पेस्ट्री वगैरह आइटम अगर हज़म नहीं कर पाती हैं तो वो भी इसके खाने से वो आपकी कैफियत ठीक हो जाएगी। लेकिन यह एक राय आपको देना ज़रूरी होती है, उम्र की एज के साथ साथ आप जो है अपने खुराक को कम करते जाएं, स्पेशली तौर पे आपने शुगर और साल्ट बिल्कुल ख़त्म कर दें। अगर आप 35 और 40 के बीच में चल रहे हैं तो आस्ते आस्ते इससे छुटकारा हासिल करें। ये दोनों यानी शुगर और साल्ट जो है वाइट पॉइजन कहलाते हैं, आस्ते आस्ते आपको कुछ ना कुछ नुकसान देते जाएंगे, या तो आपका ब्लड प्रेशर आउट कर देते हैं या बाज़ों का शुगर का भी प्रॉब्लम हो जाता है, आपके लबलबे का जो फंक्शन होता है जो पैंक्रियाटिक का फंक्शन होता है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। लिहाजा एज के फैक्टर के साथ साथ अपनी ग़िज़ा को मतवाजन रखें, थोड़ी और ज़ोद हज़म ग़िज़ा जो जल्द हज़म हो जाए और न्यूट्रिशन पर मौजूद मबनी हो ताकि आपकी रोज़ाना की ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा कर सके। इसी मेडिसिन आपने ऐसी खुराक या ऐसे फूड इस्तेमाल करने हैं। अपने खुराक के अंदर कुछ फ्रूट का भी इस्तेमाल कर लें, चाहे वो रोज़ाना की बेस पर एक ही फ्रूट हो, कभी सेब ले लिया, कभी केला ले लिया, कभी अनार ले लिया, कभी नारंगी ले लिया, इस तरीके के भी आप अपने खुराक के साथ रखें तो आप तो न सिर्फ आपकी जो है ना उससे आपकी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी होती है बल्कि आप जो खाना खाते हैं वो उसे खाने को हज़म करने में माविन साबित होती है।
नाज़िम डॉक्टर जी सिद्दीकी की आप इसका विश्व शेयर आएंगे अपने शेयर और लाइक के ज़रिए, और हमें शेयर आपने हमें कमेंट्स करना ना भूलिएगा, आपके कमेंट्स करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। दोनों सूरत में आपने कमेंट्स करना, अगर प्रोग्राम को मावन पाते हैं उस सूरत में भी, और अगर आप इसे डिसलाइक करते हैं तो फिर भी कमेंट्स करके हमें राय दीजिएगा ताकि हम इसे इम्प्रूव कर सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि डाइसीपीसी से आने वाले मज़ीद चैनल प्रोग्राम को भी आप देखना ना भूलें। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलामु अलैकुम।